भैरव बाबा, तो जो जो भैरव बाबा हम जानते हैं उज्जैन के भैरव बाबा, वो भैरव बाबा और जैन समाज अलग है, दोनों अलग है। हाँ, ये बावन रूप में ये जो है सब समकितधारी भैरव जी है जी, है ना। और जो उज्जैन के पास है जी काल भैरव, काल भैरव जी है जी, है ना। बावड़ी तक जाना पड़ता है कि इससे पहले? अच्छा, यहाँ पे है बिल्कुल। जैसे जिसकी जो मनोकामना रहती है, किसी का तबीयत खराब है, किसी के बच्चे को परेशानी है, किसी का जॉब नहीं लग रहा है जी, किसी को सारे नारियल पहले से ही बांधे हुए लोगों ने जी। छत्तीसगढ़ में जैन तीर्थ का जो है सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो दुर्ग जिले के नकपुरा में ही है, सही कहा मैंने? हाँ जी, तो पूरा पैक हो जाता होगा महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान जी तक आ जाता है, तीन चार वो उनके पैर तक क्या जाता है, पैर को छू के फिर चले जाता है। अरे वाह, तो ये बावड़ी है, आप देखिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय जिनेंद्र। और आज आपको हम कुछ खास दिखाने वाले हैं, कुछ विशेष दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम मौजूद हैं दुर्ग जिले के नकपुरा गांव में, और तस्वीर में आपको चमत्कारी भैरव बावड़ी नज़र आ रहा होगा और एक मंदिर नज़र आ रहा होगा। उस मंदिर में भैरव बाबा हैं जो जैन तीर्थंकर के एक तीर्थ में से एक है। तो आज हम इस भैरव बावड़ी के बारे में जानेंगे और भैरव चमत्कारी बावड़ी से क्यों कहा जाता है, और बावड़ी को लेकर आपके मन में भी सवाल होगा कि मंदिर जो है बावड़ी में क्यों है। तो सारे विषय पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दीपक मोदी जी जो मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, तो सब कुछ बताएंगे और सब कुछ जानकारी विस्तार से देंगे। और दुर्ग जिले के इस तीर्थंकर के बारे में भी आपको बताना जरूरी था कि हमारे पास भी, हमारे दुर्ग जिले में भी नकपुरा में भैरव बावड़ी है, और उस मंदिर में भैरव बाबा विराजमान है जिनको लेकर बहुत सारी आस्था है। और बावड़ी भी आपको दिखाएंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग है, मंदिर तो बहुत होते हैं यहाँ पे, चाहे वो देश में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन बावड़ी में मंदिर होना भी अपने आप में आश्चर्यजनक है। और उसका इतिहास क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे की आस्था क्या है, सब कुछ बताएंगे। मोदी जी नमस्कार आपका विलेटेंस में। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये मंदिर का इतिहास क्या है, इस चमत्कारी भैरव बावड़ी का इतिहास क्या है? मंदिर ऐसा है कि हमारे राजस्थान में सेम इसी पैटर्न पे मंदिर बना हुआ है जी, जोधपुर जिला के पास में जी बावड़ी का बना हुआ है हमारा, साथीन करके गाँव है वहाँ पे बावड़ी का है। तो हमारे जो इष्ट देवता का ये मंदिर है और हमारे जो गुरु महाराज थे उनकी इच्छा थी कि छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा निर्माण किया जाए, बिल्कुल भैरव बाबा की, भैरव बाबा की मंदिर बना जाए। और वैसे ही जो जोधपुर में है वैसी, हाँ, उसी पैटर्न, हाँ, जोधपुर के पास ही साथीन गांव है वहाँ पे सेम पैटर्न पे बना हुआ है जी, है ना। तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारा जगह है, मतलब आज मौसम भी खुशनुमा है तो और जगह बहुत प्यारी हो गई है। अच्छा, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जैन तीर्थ का जो है सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो दुर्ग जिले के नकपुरा में ही है, सही कहा मैंने? हाँ जी। कितने मंदिर हो गए यहाँ आसपास में? यहाँ पे है नकपुरा में ही काफ़ी मंदिर है जी, जस्ट बाजू में 24 तीर्थंकरों का भी है जी, और इस साइड पे अपना गौशाला भी बना हुआ है, गौशाला का निर्माण हुआ है जी, है ना। और लगातार आश्रम वगैरह धर्मशाला भी, यहाँ धर्मशाला भी है जी, और यहाँ पे नेचुरोपैथिक चिकित्सा वगैरह भी होता है जी। ये बावड़ी है, बावड़ी के बारे में भी बता दूं आपको कि वैसे सब जानते ही हैं कि बावड़ी होने से कितना फायदा होता है, आसपास का पूरा वाटर लेवल रिचार्ज हो जाता है, क्यों भाई साहब मैंने सही कहा? जी जी, एक टाइम था कि नागपुरा में पानी की समस्या थी, जब से बावड़ी का निर्माण हुआ है जी वाटर लेवल बढ़ गया है, और गर्मी के मौसम में कितनी भी तेज गर्मी हो यहाँ पे पानी डाउन नहीं होता, डाउन नहीं होता, और पानी अभी भी इस बावड़ी में है अभी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कितने फीट गहरी होगी ये है? करीब 40 फीट नीचे गहरी है, 40 फीट नीचे गहरी है। हाँ, और अभी हम भैरव बाबा जी के मंदिर जा रहे हैं जी, ये बेल्ट उतारना जरूरी है, बेल्ट यहाँ पे नहीं चलता है, काले वस्त्र भी यहाँ नहीं चलते हैं। अच्छा जी, कोई भी बेल्ट आप उतार दीजिए, यहाँ रख देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये भैरव बाबा, जो जो भैरव बाबा हम जानते हैं उज्जैन के भैरव बाबा, वो भैरव बाबा और जैन समाज अलग है, दोनों अलग हैं। हाँ, ये बावन रूप में ये जो है सब समकितधारी भैरव जी है जी, है ना। और जो उज्जैन के पास है जी काल भैरव जी है जी, है ना। ये बिल्कुल ये मंदिर है, तो ये इसका निर्माण कब किया आप लोगों ने? ये 2011 में हमने करवाया है जी जी। और ये अभी बावड़ी के बीच में है ना ये जी? बावड़ी के बीच में है। हाँ, ये बाकी काल भैरव बाबा जी, ये है आप भैरव बाबा जी देख सकते हैं, जैन समाज के भैरव बाबा जी हैं, और इनकी मंदिर बड़ी बड़ी जो है, सबसे बड़ी मंदिर राजस्थान में, राजस्थान में नाकोड़ा जी में भी है वहाँ पे जी, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में नाकोड़ा एक मंदिर तीर्थ है वहाँ पे है जी। ऊपर हम देख पा रहे हैं ये कौन कौन से, उसके ऊपर में फोटो हमारे भैरव जी है, पार्श्वनाथ भगवान है,
आदिनाथ भगवान है जी, महावीर स्वामी है, पद्मावती माता है, पद्मावती माता जी है जी, ये प्रमुख पूजे जाते हैं जी। बिल्कुल, मतलब जितने भी जो तीर्थंकर है उनके मंदिर के बाहर में उनकी मतलब रक्षा करने के लिए रहे। अच्छा, इसके पीछे भी लॉजिक है जी 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 जी। चलिए बावड़ी दिखते हैं जी। बाकी चमत्कारी काल भैरव मैंने कहा, चमत्कारी भैरव बावड़ी कहा जी। चमत्कारी मतलब कौन कौन से चमत्कार लोगों ने देखे? चमत्कार ऐसा है कि काफ़ी लोगों को, हर इंसान को कोई ना कोई समस्या रहती है जी, है ना। तो जैसी मनोकामना होती लोगों की, वो आते हैं यहाँ पे नीचे जी, नारियल लाल कपड़े में नारियल बांध के नीचे पे अपनी मनोकामना रख के जाते हैं मंदिर के ठीक नीचे में जी। ये सीढ़ियों के सहारे आप बावड़ी में जा सकते हैं जी। बावड़ी तक जाना पड़ता है कि इससे पहले? अच्छा, ये यहाँ पे है बिल्कुल। जैसे जिसकी जो मनोकामना रहती है, किसी का तबीयत खराब है, किसी के बच्चे को परेशानी है, किसी का जॉब नहीं लग रहा है जी, किसी को काफी सारे नारियल पहले से ही बांधे हुए लोगों ने जी, लोगों की आस्था है, लोगों की मनोकामना है जी जी जी। अच्छा, ये पूरा पानी पैक हो जाता होगा? ये पानी पूरा पैक हो जाता है, ये यहाँ पे तीन चार सीढ़ी तक के पूरे पानी आ जाते हैं बारिश के समय में। बारिश के समय में जी। और ये मेन बावड़ी है? मेन बावड़ी है ये है। और ये पार्श्वनाथ भगवान है जी जी, पार्श्वनाथ भगवान जी हैं यहाँ पे जी। तो पूरा पैक हो जाता होगा महाराज जी? तो पार्श्वनाथ भगवान जी तक आ जाता है? तीन चार वो उनके पैर तक के आ जाता है, पैर को छू के फिर चले जाता है। अरे वाह, तो ये बावड़ी है, आप देखिए ये बावड़ी का मतलब जो पहले जो बताते हैं कि महलों में तो बावड़ी होते ही थे राजा महाराजाओं के दौर में, भगवानों के समय से आ रहा बावड़ी तो जी। तो ये बावड़ी भी आप लोग काफ़ी गहरा कराए होंगे जी, ये करीब यहाँ से 40 फीट नीचे गहरा है। 40 फीट नीचे और गहरा है? गहरा है, तो काफ़ी गहरा हो गया। काफ़ी गहरा है, बिल्कुल। पानी कभी घटता नहीं है? पानी कभी कम नहीं होता, गर्मी के मौसम में भी मतलब पानी रहता ही है जी। ये वाटर लेवल रिचार्ज का सबसे बढ़िया चीज़ है, मतलब कुआं हो गया, बावड़ी हो गया, तालाब हो गया। हाँ, तो ये बावड़ी भगवान है, वो तो काल भैरव बावड़ी है और भैरव बाबा जी का मंदिर है। और बावड़ी में अपने आप में होना, मंदिर होना, बड़े अपने आप में थोड़ी खासियत है। तो दुर्ग वालों को भी, भिलाई वालों को भी और छत्तीसगढ़ वालों को भी ये दिखाना जरूरी था कि भाई जो है भैरव बाबा का जो मंदिर है वो बावड़ी में है। बिल्कुल, और क्या क्या है इस मंदिर परिसर में? इस मंदिर पे एक धर्मशाला है बाजू में ही जी, वहाँ पे जैसे महीने के एक बार जी अमावस्या के दिन भक्ति करते हैं जी, और साल में एक मांग की अमावस्या होती है जी, जिसमें बड़ा कार्यक्रम होता है, काफ़ी लोग बाहर से आते हैं और दर्शन करते हैं और प्रसाद का लाभ लेते हैं। ये बोरवेल नज़र आ रहा है बावड़ी के पास, बोरवेल, तो ये ये इसके लिए शुरुआत में किए थे? नहीं नहीं, ये यहाँ पे धर्मशाला वगैरह है उसके लिए, पानी के लिए जी जी, पेयजल के लिए। पेयजल के लिए है बिल्कुल। तो पानी जल्दी आ गया होगा? हाँ हाँ, बावड़ी होने की वजह से बहुत जल्दी पानी आ गया। बिल्कुल, तो ये मंदिर परिसर है। बाकी और कौन कौन से पूजा पाठ होते हैं यहाँ पे? बस बाबा जी की पूजा होता है यहाँ पे जी, महीने में एक बार होता है जी, और हर अमावस्या संडे को काफी लोग आते हैं दर्शन करने जी। संडे खास रहता है बाबा जी का। बिल्कुल, तो जैन समाज के लोग आते हैं कि बाकी लोग भी? अदर लोग भी आते हैं जी। बावड़ी में मंदिर होना भी अपने आप में खासियत है, तो उसको देखने को भी आते होंगे लोग? हाँ, काफी लोग आते हैं। और बाबा जी को लेकर चमत्कार भी बहुत सारे हैं? बहुत चमत्कार है जी। आपकी जिंदगी से जुड़े कोई चमत्कार किस्सा बताइए, खास याद? साक्षात यहाँ पे पानी निकलना ही बहुत बड़ा चमत्कार है। हाँ, पानी जैसे मतलब बावड़ी में पानी आना। हाँ, मतलब आज से 2011 के पहले जी, वाटर लेवल यहाँ पे पानी रहता ही नहीं था। हाँ, सूख जाते थे जी, है ना। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उनका एक ही संदेश है, सब जी, सब हिल मिल के रहो जी, है ना। और ये भैरव बावड़ी सहयोगी भाग्यशाली लोग हैं। हाँ, सब सभी ने जो यहाँ पे दान किया है जी, देश भर के लोगों के सहयोग से ही बना है। हाँ, हर जगह से। बिल्कुल, तो वाकई में ये अर्जोरिया में आपका? हाँ, यहाँ। अच्छा, ये गौशाला बगल है क्या? हाँ, जस्ट बाजू में गौशाला बना हुआ है। बिल्कुल, कितनी गाय होंगी वहाँ पे? यहाँ पे करीब 100 गाय के आसपास। 100 गाय के आसपास जी। ये वो गाय होती है जो सड़कों में मिलती है, जो वाराणसी जिसको कहते हैं लोग, उनको ला के यहाँ रखते हैं। ये है ऑडिटोरियम, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह करना हो तो कार्यक्रम? हाँ, यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल, तो भैरव बावड़ी का दर्शन आपको करा दिया हमने। और अच्छा, उस पर से देखते चलिए, बाकी गार्डन वार्डन भी है यहाँ पे कुछ कार्यक्रम? गार्डन वगैरह भी। किस तरह के कार्यक्रम करा सकते हैं इस परिसर में आके? यहाँ पे सब धार्मिक कार्यक्रम होता है, बाहर से लोग भी आते हैं, जैसे अपने हिंदू समाज वाले लोग भी जैसे चाहते हैं कि हॉल चाहिए, हॉल चाहिए, उनको कुछ छोटे मोटे मीटिंग करना है, कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम के लिए देते जी, हैं जी, जी जी जी। ये बढ़िया, सामने लॉन भी है बड़ा। हाँ, तो काफ़ी गैदरिंग हो जाती होगी जी। बाकी पार्श्वनाथ जी की पुरानी मंदिर सामने ही सामने है, है। तो जस्ट वहाँ पे वो जो दिख रहा है ना, झंडा लहरा रहा है जी जी जी, वो पार्श्वनाथ भगवान का है। देश भर से लोग आते हैं? काफ़ी जगह से आते हैं। बिल्कुल, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और आसाम जी, है ना, हर स्टेट के लोग आते हैं, गुजरात,
मुंबई छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जैन समाज का यही है। इसके बाद यहाँ के बाद केवल्य धाम है जी, और एक राजनांदगांव के पास में है जी, रथ करके वहाँ पे भी जी। बाकी चंद्रगिरी पहाड़ी जो वहाँ वो डोंगरगढ़ पे है, डोंगरगढ़ में जी, जहाँ पे विद्यासागर जी का हुआ। हाँ, तो बिल्कुल आपने देखा कि चमत्कारी भैरव बावड़ी को, और मंदिर की खासियत भी है, मंदिर को लेकर बहुत सारे चमत्कार भी हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं। तो अगर आप दुर्ग जिले में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो नकपुरा तीर्थ स्थल जरूर आइए, और भैरव बावड़ी में जाकर भैरव बाबा के दर्शन करिए। भैरव बाबा, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बॉडी बारे में बहुत सुना था मैं, हाँ। ये नहीं मानता कि यही होगा। नहीं नहीं, यही है। हाँ, मैं सोचता कि वो मंदिर है जैन समाज का, वहाँ पे तीन मंदिर हो गए ना, एक पुरानी मंदिर हो गई, एक तो ये मेन मंदिर है पार्श्वनाथ जी की, पार्श्वनाथ जी का, और एक नकपुरा गांव में जो वहाँ पे पहले जो दिखा था नकपुरा गांव के अंदर में पुरानी मूर्ति, आज भी वहीं पे ही है भाभी जी की। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान। अच्छा, इसी में ये जस्ट लगा हुआ है। 24 मतलब जितने 24 भगवान है हमारे तीर्थंकर है, उनका पूरा एक एक अलग 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 मंदिर निर्माण किया हुआ है, छोटे छोटे अलग अलग। अच्छा, इसी जगह पे जस्ट चिपका ही हुआ है बाउंड्री से हमारे 24।